राज्यों से आए हुए हैं। यहाँ पर आज लेबर कोड को लेके लाल सलाम वालों का एक बड़ा प्रोग्राम किया गया है यहाँ पर, जो लगातार जो आप मजदूर संघ देख रहे हैं, यहाँ पर सारे मनरेगा के किसान हैं और वो मजदूर संघ भी इकट्ठा है यहाँ पर जो मजदूरी करता है। लेकिन आज ये जो जब लोग यहाँ रामलीला मैदान पर करने के बाद यहाँ से जब यहाँ पर कूच कर रहे हैं, जब यहाँ से कूच कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन के लिए, तो आप सामने देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस वाले इन्हें निकलने नहीं दे रहे हैं, जबकि ये शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से कूच करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग आप सामने देखिए कि इनको रोक दिया गया है। ये देश के हालात है कि लोगों को आज अपने हक अधिकारों के लिए जब रोड़ों पर आना पड़ता है, रोड़ों पर आने के बाद जो है उसके बाद ये लोग जब यहाँ से कूच करते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, तो इनको आगे जाने नहीं दिया जाता है। मैम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सुषमा। ये अभी आपको रोक दिया, इतना आराम से आप लोग जा रहे थे, कोई किसी भी तरीके का वैसा नहीं है। ये बैरिकेडिंग कर दिया गया है, निकलेंगे अभी भी आप, बैरिकेडिंग कर दिया गया है। हाँ हम निकलेंगे इधर से। ये आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें कि ये आज ये मजदूर संघ अपनी जिदों पे अड़ गया है, जो यहाँ पर आज बैरिकेड कर दिया गया है, बैरिकेड कर उसको धक्का देकर आज ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं देश के ये हालात हो गए हैं कि मजदूर संघ एक जो है जो देश को सुरक्षित रखता है, इमारत बनाता है, और वो किसान भाई जो देश को अन्नपूर्णा कहते हैं जिस किसानों को, वो आज यहाँ पर रोड़ों पर है अपने शांतिपूर्वक तरीके से ये प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ से कूच करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर निकलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर इन्हें यही बीच रास्ते में रोक दिया गया है, रामलीला मैदान के गेट पर ही इन्हें रोक दिया गया है रस्सियों से। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस की पूरी टुकड़ी मौजूद है, पूरी पुलिस की टुकड़ी पूरा जोर लगाकर खड़ी हुई है बैरिकेड्स को। लेकिन यहाँ से जो आप पूरी तस्वीरें देख रहे हैं, मैं पूरी तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि देश में किस तरीके के हालात है। वो वर्ग जो आज यहाँ पर अपने हक अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन आज उनको यहाँ पर रोक दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। ये आप सामने की जो तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, सामने की बहस देख रहे हैं, आमने सामने है पुलिस और वो मजदूर संघ, वो भाई किसान भाई, और ये लगातार इन लोगों से पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लगातार जो है इनको कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से जो है अपना मार्च निकालते हुए जाएंगे, लेकिन पुलिस वाले इनको यहीं रोक दे रहे हैं। सामने पूरी टुकड़ी आप देख सकते हैं, CRPF वाले जवान भी खड़े हुए हैं, ISF वाले जवान भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरी पुलिस टुकड़ी भी मौजूद है, पूरे जवानों की टुकड़ी इस तरीके से खड़ी हुई है जैसे यहाँ पर कोई आतंकवादी घुस आए हो। आप सामने देख सकते हैं ये तस्वीरें कि यहाँ पर पुलिस लगातार उनसे अनुरोध कर रही है कि आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से जो पूरी जनता है, पूरे हालात आप देख सकते हैं, जो पूरे मजदूर संघ है वो भी इनसे अनुरोध कर रहा है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से निकलने दिया जाए। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर बैरिकेड करके इनको यहीं पर ही रोक दिया गया है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, ये आज जो दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है मजदूर संघ का, मजदूर का जो 4 लेबर कोड दिए गए हैं सरकार द्वारा, उसी को रद्द कराने के लिए यहाँ पर आज विरोध प्रदर्शन हो रहा था। शांतिपूर्वक तरीके से मार्च निकलनी थी, लेकिन इस मार्च को यहीं पर रोक दिया गया है और ये पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पूरा सामने आमने हैं ये सब लोग। तो अभी ये आपने सुना सामने क्या अनाउंसमेंट की गई है, पुलिस ने अनुरोध किया है इन लोगों से और इनसे पूछा है, अभी इधर ही बात कर लेते हैं कि क्या इनको पुलिस वालों ने बोला है और क्या इनसे अनुरोध किया है, तो अभी ये क्या कुछ करेंगे। सर अभी 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 आपसे पुलिस वाले आपको रोक रहे थे, बैरिकेड्स को आप धक्का दे रहे थे, क्या कुछ बोला है अभी? अभी पुलिस ने हम लोगों से ये कहा कि आपके डेलीगेशन को राष्ट्रपति से मिलवाएंगे, जुलूस पुलिस के स्कॉट में होगा, इस बात पे सहमति बनी है। हाँ जी, तो आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से हैं, तो यानी अभी ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से ही रैली करने आए, तो अभी ये आप देखिए सर,
सर अभी आपको यहाँ रोक दिया जा रहा था, आप क्या अनुरोध किया? तेलंगाना से है, ये तो मिनिमम डेमोक्रेटिक राइट है, इसलिए डेमोक्रेटिक राइट के लिए हम लड़ना है, हम लड़ते हैं। हम कितना अनुमति दे दी आप लोगों को? ये अभी शांतिपूर्वक तरीके से दोनों ने अभी बात की है और अनुरोध किया गया है इनसे, तो आप ये सामने तस्वीरें देख सकते हैं कि इनको ये अभी इनको जो है अनुमति दे दी गई है, अनुरोध कर रहे थे पुलिस वाले भी इनसे अनुरोध कर रहे थे, तो अभी ये जो है पूरा जत्था सामने पूरा निकल चुका है, रैली पूरी इनकी जो है कूच कर रही है राष्ट्रपति भवन की ओर शांतिपूर्वक तरीके से, ये आप सामने देख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो है शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग निकल रहे हैं, इनसे बात करते हुए पुलिस वाले भी साथ में हैं, यहाँ पर जो है इनको अभी रोक दिया था लेकिन जो है उसके बाद इनको बोल दिया गया है। तो यहाँ पर अभी भी जो है बात चल रही है कि ये कैसे कूच करेंगे और यहाँ से निकलते हुए जाएंगे, जो है इन लोगों में आपस में सलाह मशवरा हुआ है। सर क्या क्या हुआ है सर? यस सर अभी क्या हुआ है आप लोगों की अभी अनुमति? अभी तो बात चल रहा है पुलिस के साथ। अभी आप सामने देख सकते हैं, मैं सामने आपको सीधी सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ कि अभी बात चल रही है कि जो इनका अभी जो अनुरोध किया गया था मजदूर संघ की ओर से और लगातार पुलिस की तरफ से जो अनुरोध हो रहा था उसको अब जो है मान लिया गया है, इनको निकलने दिया गया है, लेकिन अभी भी बहस जारी है पुलिस में भी और मजदूर संघ के जो लीडर्स हैं उनमें भी, वो लगातार अभी भी जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन जो है यहाँ पर इनको जाने की अनुमति दी है, लेकिन पूरे जो है आप सामने देख सकते हैं पुलिस भी। हाँ सर अभी क्या हुआ है इनको? पुलिस हम को बोला कि हमारा जो मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान का रैली है आक्रोश रैली, वो पहले निकालने नहीं देने चाहते थे, हम उसको साथ पूरा एकदम फाइट किया और इसी से ये मान लिया कि ठीक है तुम्हारा मजदूर आक्रोश रैली हम छोड़ देते हैं। तो मजदूर आक्रोश रैली से राष्ट्रपति भवन तक हमारा डेलीगेशन कैसे जाएगा ये बाद में तैयार होगा, अभी हम आक्रोश रैली निकाल दिया। आक्रोश रैली निकाल दी है तो आपको यानी अनुमति दे दी है राष्ट्रपति भवन के लिए? ये कितना दूर तक ले जाएंगे वो ही जानते हैं, मेरा हम यहाँ से निकाल गया। अच्छा यहाँ से आपको निकालने दिया? वो कहाँ रुकेंगे वो तो उनका बात है ना, उनको पूछिए। तो अभी ये आप सामने देख सकते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया अभी लीडर्स जो है वो पुलिस के साथ बात कर रहे थे और इनको अभी जो है अनुमति यहाँ से निकलने की तो दे दी है लेकिन कहाँ तक जाने देंगे सर? अभी इनको जाने नहीं दे रहे हैं। सीनियर अफसर बताए? सीनियर अफसर है लेकिन बच रहे हैं थोड़ा बात करने से क्योंकि अभी जो है यहाँ पर इनकी रैली को सर अभी क्या करेंगे यहाँ जहाँ तक अभी तक जहाँ तक परमिशन करेंगे हम वहाँ तक जाएंगे, हम अपना विज्ञप्ति राष्ट्रपति को भेजेंगे, ये हमारे डेलीगेट्स को लेके जाएंगे राष्ट्रपति भवन के पास। आपका ऐसा दिया गया था कि राष्ट्रपति भवन तक आप लोग जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने देंगे आप? नहीं, ये हमारे जो पुलिस के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, ये जो हमारे एस्कॉर्ट देंगे वहाँ करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है कोऑपरेट करके चल रहे हैं ये लोग भी, लगातार मजदूर संघ भी जो कोऑपरेट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये पूरा देखिए तमाम लोग जो है पूरा रामलीला मैदान से निकलते हुए अब जो है इनको निकलने की इजाजत दे दी है, निकलते हुए रोडों पर आ चुके हैं, तमाम राज्यों से आए हुए ये लोग आप देख रहे हैं, पूरा मजदूर संघ है जो किसानी करता है, जो इमारतें बनाता है वो मजदूर संघ है, जो मनरेगा में काम करता है यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो मजदूरी करते हैं उन 60 से 70 साल से लेकर के 20-21 साल तक के युवा भी यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जो लगातार यहाँ पर आक्रोश रैली अपनी निकालते हुए निकल रहे हैं और इनको अब आज जो है रामलीला मैदान से निकलने दिया गया है लेकिन ये अब रोडों पर आ गए हैं। अभी इनको शायद डिटेन कर लिया जाए या ऐसा मैं कह नहीं सकती क्योंकि अभी इन लोगों में सहमति बनी है कि हम जो है ये जहाँ तक हम आपको जाने देंगे वहाँ तक आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये भी कोऑपरेट करते हुए निकले हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं ये अब रैली यहाँ से निकलती हुई जा रही है, रोड पे आ चुकी है और यहाँ से जो है अब निकलते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन जो है बात की गई थी कि ये कूच करेंगे रामलीला मैदान से राष्ट्रपति भवन की ओर, लेकिन यहाँ पर अब जो है रोड पर तो अभी निकल चुके हैं, कहाँ तक इन्हें जाने दिया जाएगा ये अभी इन लोगों से जानेंगे। तो सर अभी आपको यहाँ तक तो रोड तक जाने दिया है, अभी क्या करेंगे अगर डिटेन वगैरह कर लिया तो? हम जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाने के लिए कोशिश करेंगे,
वहाँ से हम राष्ट्रपति मिलने के लिए जा रहे हैं। वो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इनका इतना लोग आके हमारा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं, हमले करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमें लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से चलता है देश। आप बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहे हैं, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम काम करने वाले, समाज चलाने वाले हैं। हम खून बना के पसीना उठा के समस्त समाज को चलाने वाले हैं। हम किसी से ऊपर लड़ाने करने के लिए नहीं आया। हमारा समस्याओं को ये चार कोड को खिलाफ करते हुए हम प्रोटेस्ट करते हुए वापस लो बोल के बोलने के लिए आए। बताइ वो हमारा पूर्व लोग ने बहुत लड़ाई करके 44 एक्ट को लाया, वो ये बदल जा रही, वो उसको नया लाना, लेकिन उनको बदल के पूरा हक को निकाल रहे। इसलिए हम लड़ाई करने के लिए आए, आए कोने कोने से, आए कोयला से, सब कुछ। सरकार तो है जो चार लेबर कोड के फायदे बता रही है कि भाई इसमें पीएफ जो है वो इनका है, कर्मचारियों के घंटे सेट हो जाएंगे और बहुत फायदेमंद है ये। 8 घंटे बदल दे रहे, 136 ईयर्स के पहले 8 घंटे का लड़ाई चला, खून बना है कि ये लाल झंडा दिया हर मेड़े में हम लहराए आए, वो अभी 8 घंटे बदल में 12 घंटे चल रहे, वो कैसा ही है। आप देखता है आप देश में प्रपंच में ऐसा ही है। अब वो फेसबुक वाला और ट्विटर वाला को भी निकाल रहे, नौकरी निकाल रहे, वो नौकरी का अभद्रता है। इसी समय पे 12 घंटे 4 घंटे 26 घंटे निकालना, पहले जो कैपिटलिस्ट बना है वो किया, अभी वही चलना चल के पीछे जा रहे, पीछे लेके जा रहे मोदी साहब ने, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए चार लेबर कोड का विरोध करते हुए ये रैली पूरे शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से जो है कूच करती हुई जा रही है, लेकिन लगातार जो है पुलिस भी इनके आगे आगे चल रही है। अभी इन्हें जहाँ तक चलने की अनुमति दी गई है ये वहाँ तक चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है जब ये रैली शांतिपूर्वक तरीके से निकल रही है, किसी तरीके का कोई जो है वो दंगा या फसाद नहीं कर रही है, तो ऐसी रैलियों को रोका क्यों जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र देश है हमारा, मगर उसमें भी बावजूद उसके यहाँ पर जो है इस रैली को रोक दिया जाता है। ऐसे ही छात्र जब प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाता है और लगातार उनको डिटेनिंग करते हुए उनको जेलों में ठूस दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है आज भी कि जब शांतिपूर्वक तरीके से हर किसी को प्रदर्शन करने का अनुमति है इस देश में, लेकिन फिर भी इन्हें रोक दिया जाता है और पहले परमिशन लेने की जो है बात की जाती है कि परमिशन लीजिए आप तब प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल में लिखा भी हुआ है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पे भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आज इस रैली को रोकते हुए सामने पूरी तमाम टुकड़ी आप देख सकते हैं, पुलिस की भी जो है आगे चल रही है और साथ में कुछ जो है जवान भी चल रहे हैं और पुलिस भी चल रही है। अभी इन्हें जहाँ तक चलने की अनुमति दी गई है यहाँ से आप चलते हुए देख सकते हैं, आधे लोग जो है रामलीला मैदान में ही मौजूद हैं, पूरा मजदूर संघ जो है आधा वहां पर मौजूद है, आधा यहां रोड़ों पर जो है निकल चुका है राष्ट्रपति भवन के लिए जो ज्ञापन देना था इन्हें उसी के लिए यहां पर ये पूरी जो तमाम लोग आज रोड़ों पर उतर चुके हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। आज इनका विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ यही है कि चार लेबर कोड वापस लिया जाए, जिसको इन्होंने भड़ा कर दे दिया गया है, चार लेबर कोड थोप दिया गया है जिसमें फायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े मजदूर संघ के जो लीडर्स हैं वो बता रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके का फायदा नहीं है, इतना इतना घंटे मजदूरी करवाई जाती है लेकिन उसके हिसाब से इन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। अब ये कूच करते हुए लगातार जो है रामलीला मैदान से काफी आगे आ चुके हैं और अभी इनको यही रोकने के लिए कहा गया है, लगातार ये लोग पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं तस्वीरें, ये आज दिल्ली में महारैली जो आप देख रहे हैं, ये महारैली उन मजदूर किसानों की है, उस मजदूर संगठन की है, उन मजदूरों की है, आवाजें हैं जिनका हक अधिकार छीना जा रहा है। ये आज महारैली आज दिल्ली राजधानी में हो रही है, महारैली हो रही है रामलीला मैदान में, रामलीला मैदान से आज ये रोड़ों पर उतर चुके हैं। ये महारैली आज दिल्ली के कैपिटल में हो रही है, ये आप देखिए कि देश का दुर्भाग्य है कि आज वो एक तबका जो
हमेशा से मजदूर वर्ग काम करता है, लोगों के लिए खेतों में हल चलाता है, जो किसान अनाज उगाता है आज वो सड़कों पर है, जो घरों में आप शांति से बैठ जाते हैं, आप शांति से बैठ सकते हैं, सांस ले सकते हैं, वो घर बनाने वाला मजदूर आज रोडों पर है, लगातार यहाँ पर जो है ये लोग कूच करते हुए जा रहे हैं। लेकिन सामने आप देख सकते हैं, सामने पूरी तस्वीरें कि पुलिस वाले बीच में ही रुक कर खड़े हो चुके हैं, शायद रोक दिया जाए, इससे आगे शायद इन्हें बढ़ने ना दिया जाए, जबकि ये विरोध प्रदर्शन बड़ी शांतिपूर्वक कर रहे हैं और अपनी मांगे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि आज देश की जो हालात है कि हर तबका रोड़ों पर उतरा हुआ है और अपने हक अधिकार की मांग और डिमांड करते हुए यहाँ पर कूच करते हुए जा रहा है। लेकिन अभी इन्हें कहाँ तक जाने दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, रामलीला मैदान, दिल्ली।